डिप्टी सीएम अनिमेश देव वर्मा, उसके बाद ईएम सुहेल देव वर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर एमएलए मेवार कुमार जमातिया, सपना देव वर्मा पीओस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यहाँ के सब जोनल चेयरमैन सबको मैं पहले चिबाई या फरो सबको। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब लोग? कैसा है कहां दे? तो अनिमेश ने तो पूरा लंबा स्पीच दे दिया, मुबाकरा और क्या बोलेगा। मैं सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि तिपरासा, पूरा इंडिया तिपरासा को रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई तिपरासा ये अपना वीसा लेके जब दिल्ली जाए या बैंगलोर जाए या कलकत्ता जाए या बॉम्बे जाए, तो सब लोग तिपरासा को देख के, उनका वीसा देख के, उनका रिग्नाई देख के, उनका देश को देख के हम लोगों को इज्जत करे। क्योंकि आज मुझे लगता है कि हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई तिपरासा को इज्जत नहीं देता है, ना त्रिपुरा में मिलता है ना त्रिपुरा के बाहर। तो जब ये प्रोजेक्ट हमें मिला फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ लगाने के लिए, मैंने एक बात सोचा, अनिमेश ने भी बात किया है, भाईचुंग भुटिया जब फुटबॉल खेलने लगा तो पूरा इंडिया ने नोटिस किया कि एक राज्य है सिक्किम और वहां से एक बुकुंबरा, भाईचुंग भुटिया भी बुकुंबरा है, नाक चपटा है, हम लोग का जैसा है, लेकिन हिंदुस्तान का कैप्टन बन गया। और तब पूरा इंडिया ने, पूरा हिंदुस्तान ने सिक्किम को नोटिस किया, फोकस में लाया और इज्जत किया। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही जैसा मैरी कॉम, एक बुरोई मणिपुर से, वो बाहर जाके विदेश जाकर जब गोल्ड मेडल लेके आया तो पूरा दुनिया ने, देश ने, विदेश ने फोकस किया एक बुरोई को, वो भी हम लोग का बुकुंबरा नाक चपटा, प्रियंका चोपड़ा उसका ऊपर पिक्चर भी बना दिया, फोकस आया। तो स्पोर्ट्स में, खेल में एक चीज है कि अगर आप को नेता बनने का दरकार नहीं है, अगर आप स्पोर्ट्स में अगर आप नंबर वन हो जाए तो फोकस कम्युनिटी के ऊपर आता है। त्रिपुरा में देख लो दीपा कर्माकर जिमनास्ट में, आज आप दीपा कर्माकर को पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, मानिक सरकार को कोई नहीं पहचानता है इतना। तो खेल ऐसा है, सचिन तेंदुलकर को सब पहचान जाता है, आप सचिन तेंदुलकर को यहां लाओ या विराट कोहली को यहां में लाओ, सब लोग जानता कौन है। कोई एमपी नेता को यहां लेके आओ, कोई पहचानेगा भी नहीं कि वो एमपी है कि नेता है। तो मैंने यहां में सोचा कि भाईजल बारी में एक अच्छा सा वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोटर्फ हो। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा जो यूथ जो ड्रग्स में फंसा हुआ है, यहां में इतना बुरी है बुमा लोग, आपका लड़का लोग, आपका भाई, कहीं में आपका पति, कहीं में आपका बेटा ड्रग्स ले रहा है, अगर खेल में उन्होंने ध्यान दिया तो फिट रहेगा। आप लोग जो सेकला है, अगर कोई भी सोसाइटी को, दोफा को आगे बढ़ना है ना, तो ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, नशा को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप खेल में अपना ध्यान दो, फिट रहो और त्रिपुरा का नाम ऊपर करो। त्रिपुरा का नाम ऊपर कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना। अगर सिक्किम भाईचुंग भुटिया को पैदा कर सकता है तो किल्ला से, ताकरजला से, भाईजाल बारी से, कंचनपुर से हम लोग क्या 4-5 फुटबॉलर नहीं तैयार कर सकता है? और अनिमेश आपने बोला 10 मिनट फुटबॉल खेलो, 10 मिनट क्यों, पूरा 90 मिनट में फुटबॉल खेल सकता हूं यहां। लेकिन हां,
मैं जब फुटबॉल खेलता हूं अपना पिपरासा को लात नहीं मारता हूं। समझ में आया ना आपको? आपको मैं चाहता हूं कि यहां में अगर अच्छा सा फुटबॉल टर्फ आया, रात में फ्लड लाइट्स हुआ, दिन में गर्मी है, रात शाम को भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकता है यहां में। तब अगर शाम को 50-100 लोग फुटबॉल खेल रहा तो यहां में एक चाय का दुकान भी आ जाएगा, कहीं में थोड़ा सा चना का दुकान आ जाएगा, और यहां में भी सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगा। और जिन लोगों ने ये जमीन दिया है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि जिस लोगों ने यहां में जमीन दिया इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इन्होंने हाँ इनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। हो गया नहीं, होना होगा, ठीक है। और एक सिस्टम बनाओ जहां में कि अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो आपको अगरतला जाने का दरकार नहीं है, भाईचाल भरी में ही आप अपना यहां में अपना कला कर सकते हैं। कोच बनेगा, एक सिस्टम इंप्रूव होगा। और आज एक फुटबॉलर जो हिंदुस्तान में खेलता है, मोहन बगान हो, ईस्ट बंगाल हो, बेंगलुरु हो, कोची हो, एक फुटबॉलर आराम से साल का 50 से 1 करोड़ रुपया कमाता है। आज हिंदुस्तान का फुटबॉल टीम में 6 से 7 लोग नॉर्थ ईस्ट का, अपना ही एरिया का है। तो एक तिपरासा अगर निकल जाए, 2 तिपरासा निकल जाए, 3 तिपरासा निकल जाए, तो यहां में हम लोगों को सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए। एक मैरी कॉम निकला तो मणिपुर से 5-6 और बॉक्सर निकल गया। एक भाईचुंग भुटिया आया तो 10-15 फुटबॉलर और निकल गया। तो अगर हम लोग भी यहां से 1-2 अच्छा सा खिलाड़ी निकाल दे तो और लोग इसमें ज्वाइन होंगे। और हम आपको एक बात बोल रहा है, यहां में इतना लोग है, आपको मैं बहुत प्यार करता हूं। और जो लोग एडीसी को ब्लेम करते हैं कि एडीसी कुछ नहीं कर रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम लोग के पास पैसा नहीं होने से भी हम लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। इससे पहले 40 साल से एडीसी का गवर्नमेंट था, 15 साल से यहां में सीपीएम का एडीसी था, भाईचाल भरी में ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्यों यूथ को चांस नहीं दिया? क्यों आपको मौका नहीं मिला? आज हम लोग के पास पैसा नहीं होने से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिल से कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग यहां में, हम लोगों का बुरोई, हम लोगों का सेकला सिकली, अगर आप लोग, हम लोग सब एक मिलकर कुछ ना कुछ अपने दोफा के लिए करें, तो बाद में मरने के बाद भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा। आई लव यू। और ये बात मैं आराम से बोल सकता हूं कि आई लव ऑल ऑफ यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। और आपको मैं एक बात गारंटी देके बोल सकता हूं, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग के पास इतना पावर नहीं है, लेकिन हम लोगों का दिल ना 101% बुकुंगबारा तिपरासा का दिल है, हम लोग तिपरासा के लिए काम करता है। और जो लोग हमारे एडीसी के अगेंस्ट है, मैं आपको यहां में सबके सामने आज बोलना चाहता हूं, जो लोग बोलता है कि बुबागरा को डंडा मारेगा, ठीक है गोली मारो, डंडा से कुछ नहीं होगा, डंडा टूट जाएगा, बुबागरा को कुछ नहीं होने वाला, मारना है तो गोली मारो। यहां में बुरी लोगों को हम एक बात बोलना चाहता हूं, महात्मा गांधी को किसने मारा? अंग्रेज ने मारा? नहीं, इंडियन ने मारा, बंदूक दिया अंग्रेज ने, गोली मारा इंडियन ने। जालियनवाला बाग जब हम लोगों के लोगों को मारा गया, किसने गोली मारा? किसने गोली मारा जालियनवाला बाग में? ऑर्डर अंग्रेज का जनरल ने दिया, ऑर्डर दिया, गोली मारा इंडियन लोग ने।
और कल अगर बुबागरा को ये लोग मारने का कोशिश करता है ना, तो ऑर्डर कहीं और से आएगा, मारेगा अपना ही तिपरा सा। चाबी कोई और लगाता है, बोलता है तिपरा सा, लेकिन अगर दम है तो सामने खड़ा होकर शकल में आंख मिलाकर हमारा सामने हिम्मत लगाकर बोलो, अगर कर सकता तो बुबागरा को गोली मारना मार दो, तिपरासा को मत मारो। तिपरासा को कुछ चाहिए, हम लोग भूखा है, हम लोग के पास नौकरी नहीं है, बच्चा लोगों के पास शिक्षा नहीं है। आज भी कॉक गोरख सीबीएसई में आप बांग्ला में टीचिंग कराएगा, एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं तिपरासा को कुछ दो, बुबागरा को अगर गोली मारने से तिपरासा का कल्याण होगा ना तो मार दो, मार दो। पहले भी मारने का कोशिश किया कुमुलंग में, मारो लेकिन तिपरासा को मत मारो। ये बात आप लोगों को सोचना चाहिए कि आज ये लोग जो बोलता है कि नुयुंगमा को सराउंड करेगा, करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, करो आप कोशिश करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। आप आके नुयुंगमा को सराउंड करो, मैं आपको आके सिंगारा और चाय भी दे दूंगा, गुदोक भी दे दूंगा, जो बैठो करो करो आंदोलन करते रहो। लेकिन एक बार आंदोलन करो ना तिपरा के लिए, स्टेट काउंसिल के लिए, एक बार डायरेक्ट फंडिंग के लिए आंदोलन करो ना, एक बार तिपरासा को कॉक बोरक रोमन स्टेटमेंट के लिए आंदोलन करो ना, नहीं लेकिन बुबागरा का खिलाफ आंदोलन करेगा, करो। और यहां में हम आपको बोल रहा है कि हम लोगों का तिपरासा और अब बेवकूफ नहीं है, आप लोग भी सब जानता है, आप लोग यंग है, आप लोग बुरा है, आपने बहुत देखा है 70 साल से क्या अत्याचार हुआ है। अब आप लोग जवाब देना जानता है, जवाब देना जानता है कि नहीं, आप लोग जवाब देना जानता है कि नहीं। वायलेंस से जवाब मत दो, झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो जवाब है वो आपके दिल के अंदर है और आपके हाथ में है, वोटिंग करके आप इनको जवाब दो। और ये मत भूलो, अगर कल बुबागरा को कोई मारता है और अगर कल बुबागरा मरता है तो मारने वाला भी अपना ही तिपरासा होगा, कोई बाहर का आदमी नहीं होगा। दलाली करके अपने ही देश में अपने ही आइडेंटिटी को, अपने ही चिन्हों को तोड़ने वाला अपना ही लोग है, हम लोगों को धोखा देने वाला अपना ही लोग है। और हम चाहता है कि हम लोग प्रोग्रेसिव हो, आगे बढ़े। आई थैंक द एडमिनिस्ट्रेशन, यहां में रविंद्र बाबू जूनियर हमने देखा नहीं, बोले अनंत बाबू कहाँ है, अनंत बाबू भी है। हम आप सबको थैंक यू बोलना चाहता है और हम आप सबको बोलना चाहता है कि प्लीज थानसा ओंगदी, थानसा रहेगा तो बुकुंगबारा को कुछ मिलेगा, थानसा नहीं रहेगा ना तो डिवाइड एंड रूल करके, ये पॉलिसी करके हम लोगों को बांट बांट के मारेगा। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपका एकता चाहता है, आपका थानसा चाहता है, वो लोग आपका थानसा को तोड़ना चाहता है। आप जानता है नुंगसाई मनो सबो का हम सबो हमिया, आप लोग इसका जवाब देना। बेलाई नो हम भाई खुलुखा, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, हमारा घुमा लोग।